वफा फिर जो हुए वो। बेटा नाया, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो वो किचन में फरियाल है, उसे बोल देना मेरा बच्चा। मैं जरा जोना को ना यूनिवर्सिटी छोड़ के आती हूँ। अम्मी आप क्यों जाएंगी यूनिवर्सिटी, बाबा कहाँ है? तुम्हारे बाबा ने साफ कह दिया है कि अब मैं रोज रोज इसे यूनिवर्सिटी छोड़ने नहीं जा सकता। ठीक कहा है भाई, कोई मुलाजमत करते हैं किसी की, ड्राइवर है वहाँ पे, तुम्हारे नखरे नहीं खत्म होने का? अम्मी बाबा को बोले ज्यादा बहाने ना बनाए। अब 10 मिनट की तो बात है, इस 10 मिनट में स्टूडेंट पर मेरा क्या इम्प्रेशन पड़ता है इसका आपको अंदाजा नहीं है। इसलिए भाई मैं नहीं जा रही यूनिवर्सिटी। ये क्या बदतमीजी है? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का कि बाबा तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते हैं तो तुम्हारा इम्प्रेशन अच्छा बनता है? और बाबा का इमेज क्या बताया हुआ तुमने यूनिवर्सिटी में, कि ड्राइवर है वो तुम्हारे? ओ हेलो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना, तुमने तो ये भी नहीं बताया होगा कि वो हमारे बाबा है। देखो वो हमारे बाबा है तो इसमें फखर मनाने वाली कौन सी बात है? जोना शर्म तो नहीं आती इस तरह की बात करते हुए अपने बाबा के बारे में? ये तरबियत की है इस लड़की की मैंने, यही कुछ सीखने जाती है ये यूनिवर्सिटी, समझ गई हूँ आज मैं। ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है माँ जहाँ ये सब कुछ सिखाया जाए। इसका अपना दिमाग खराब है, बदतमीज होती जा रही है। हो गया आप दोनों का, मैं एक काम करती हूँ, मैं अकेले यूनिवर्सिटी चली जाती हूँ, किसी को भी मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। जोनी हाँ, अब ये खाएगी मुझसे जूते खाएगी। अच्छा आप जाएं, आप छोड़ें उसे। तुम देखो तो सही कैसी बातें कर रही है तेरे बाबा के बारे में, इसे तो मैं पूछती हूँ। सलाम छोटे साहब। भाई साहब मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। खैरियत मेरा इंतजार कर रहे थे आप? जी जी सब खैरियत है, वो मेरी बेटी है ना अनाया। अनाया वही छोटे साहब जिसके लिए आपने इतना कुछ किया है। वो नादान आपकी अच्छाइयों को समझ ही नहीं रही, मैं उसके रवैये की आपसे माफी मांगना चाहता था। प्लीज करिए बाबा, आप मुझे इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए उस दिन जो कुछ भी हुआ मुझे नहीं ऐसा लगता कि उसके लिए आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत है। और वैसे भी आपको कभी भी मेरी जरूरत हो मैं आपके साथ। बहुत बहुत मेहरबानी छोटे साहब, आप वाकई बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। ख्याल जिसे देखो बस एक ही रट, दुल्हन कब आएगी दुल्हन कब आएगी। अरे ऐसे जैसे दुल्हन में हीरे जवाहरात लगे हैं, उसे लाके घर में सजा दूं। रुको मियां, अब माँ दुआ सलाम से भी गई, यूं मुंह फुला के कमरे में क्यों जा रहे थे, ऐसा क्या कर दिया हमने? जो कहना था और जो करना था फरियाल के घर वालों के साथ वो तो आप कर चुकी, अब रह के क्या? आजकल की नस्ल को तो अपनी खुशियों की पड़ी है, माँ बाप की तो कोई वैल्यू ही नहीं। अरे भाई जेवर का मुतालबा करके मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? तुम्हारे ससुर इतने बड़े घर के ड्राइवर हैं, अगर मदद के लिए कहेंगे तो 4-5 लाख तो यूं निकाल देंगे। अरे 2-4 दिन सबर कर लो, तुम्हारे ससुर दौड़े दौड़े ना आए ना तो मुझसे कहना। और अगर ना आए तो फिर? अरे एक नहीं 10-10 लड़कियों के रिश्ते यूं लाइन में लगा दूंगी। हमें अगर उन 10 लड़कियों में से कोई मुझे पसंद होती ना तो मैं फरियाल का इंतखाब ना करता। शादी शादी शादी, जरूर फरियाल ने इसे भड़काया होगा।
सब्जी? तो इस महंगाई के जमाने में रोज रोज गोश्त और चिकन तो बन नहीं सकता। क्या हो गया, आप क्यों जलते कोयले की तरह इतना दहक रही हैं? बाबा गए हैं मुनीब के घर। क्या? कोई फायदा नहीं होने वाला, आपकी जो सास है ना वो 10 मुतालबे लेके बैठ जाएंगी। बेचारे हमारे बाबा अपनी परेशानियां बांटने के लिए वहां गए और वहां से 100 परेशानियां लेते हुए आएंगे। तुम तो ना चुप ही रहा करो, कभी मुझसे अच्छी बात ना निकालना। क्या हो गया आपको, आप मुझ पे क्यों इतना भड़क रही हैं? जैसे आपकी शादी मेरी वजह से रुक गई हो। देखिए लुटेरे ना आपकी खुद की किस्मत में लिख दिए गए हैं, अब वो चोरों की शक्ल में या फिर आपके ससुराल वालों की शक्ल में। निकलो निकलो यहाँ से, नहीं तो सब्जी की तरह ना तुम्हारी ज़बान भी काट दूंगी। हर वक्त कैंची की तरह चलती है, चट 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 चट। फिलहाल ना आप किसी पीर फकीर के पास जाके अपनी बदनसीबी का काट करवाएं, फिर मेरी जुबान काटिएगा। जूनी की बच्ची, मुझे सुनाती रहती। साहिब औलाद आप भी हैं और मैं भी, फर्क सिर्फ इतना है कि आप बेटे की वालदैन हैं और मैं बेटियों का बाप। बेटियों के मामलात बड़े नाजुक होते हैं हमीद भाई। आप लोगों का एक फैसला बच्चों का घर बसा सकता है। अरे तो हम कौन सा घर उजाड़ने पे बजिद हैं? ले दे के मामला निपटा दीजिए, हम बहू को रुखसत करा के ले आएंगे। लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम इकट्ठी कहां से लेकर आऊंगा? तो बच्चों का घर बसाने का ख्याल भी दिल से निकाल दें। ऐसा ना कहें रजाला बहन, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। हमने भी बड़ी उम्मीद लेके बैंक से कर्ज उठाया था कि बेटे की शादी धूमधाम से करेंगे, हुआ क्या, उल्टा बैंक के कर्जदार हो गए। बैंक तो हमसे पैसा वापस लेगा, वो भी बहमाए सूद के। उसे इससे कोई गरज नहीं कि पैसा कहां और कैसे डूबा है। देखिए मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जितनी रकम आप कहेंगी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको लौटा दूंगा, मुझ पर भरोसा करें। 50,000। हर माह 50,000 दे सकते तो बेटी की रुखसती की तैयारी करें, वरना आपकी मर्जी है। ये तो बहुत बड़ी रकम है, इतने पैसे मैं हर माह कहां से लेकर आऊंगा? हमने अपना फैसला सुना दिया, आगे आपकी मर्जी है भाई। चाय पानी पी लीजिएगा, मेरी नमाज कजा हो रही है। नहीं भाई, पानी पिया, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा बच्चा, बैठे बैठे थक जाओगी ना, तकलीफ होगी, आराम कर लो अंदर जाके। और अगर तुम्हारे बाबा आ गए ना तो डांटेंगे मुझे, कहेंगे इसको यहाँ क्यों बिठाया है? उठ मेरा बच्चा। तो माँ बाबा कहाँ रह गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था, इतनी देर हो गई है, नंबर भी बन जा रहा है। वैसे देर तो काफी हो गई है, मैं फरियाल के ससुराल फोन करके पता करती। मेरा ख्याल आ गया तेरे बाबा। ध्यान से। जी जी आ गई आ गई आ गई। सलाम अलैकुम। अस्सलाम। अरे करीम इनको क्या हो गया? बाबा क्या हुआ उनको? तबीयत थोड़ी सी इनकी खराब हो गई थी लेकिन अब बेहतर है। बाबा को क्या हुआ, क्या किए? बेटा हाँ। तुम परेशान ना हो, मैं देख लेती हूँ। बाबा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या हुआ है बाबा को? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई, शायद चक्कर आ गया था, तबीयत खराब हुई और एकदम से मेरी गाड़ी के आगे आ गई। लेकिन आप फिक्र ना करें, अब ठीक हूँ। क्या मतलब गाड़ी के सामने आ गए? ध्यान कहाँ था आपका, गाड़ी देखकर नहीं चला सकते। आप जाएं यहाँ से,
वो ड्राइवर है, इसका ये मतलब नहीं कि वो जिए या मरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप गलत समझ रही हैं? ऐसा नहीं, मुझे आपको समझना ही नहीं है। देख चुकी हूँ मैं आपकी अम्मी का रवैया अपने बाबा के साथ, उसके बाद कुछ नहीं समझना मुझे। आप जाए आप। थैंक यू। मेरी का फायदा बेदेहानी में गाड़ी। मायर के साथ तुम्हारी नाराजगी का क्या बना? आपको किसने कहा कि मैं मायर से नाराज हूं? एक ही ऑफिस में काम करते हो तुम दोनों, ये खामोशी सब नोट कर रहे हैं। मैं नहीं सिर्फ। आंटी पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मायर इस मंगनी से ज्यादा खुश नहीं है, और या फिर मंगनी के बाद मायर मुझे और मैं मायर को ठीक से समझ नहीं पा रहे। ये बड़ा अजीब लग रहा है मुझे सुनने में। उन्हीं से मंगनी का मतलब सिर्फ अंगूठी नहीं होता, उसने अपनी मर्जी से मंगनी की है, और क्या वजह हो सकती है? कभी कभी इंसान के अंदर जो होता है उसका इजहार नहीं कर पाता। मायर तो वैसे भी शायद है, उसको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दिक्कत हो, तुम उसकी बातों को गलत मत समझो। आई थिंक आप ठीक कह रही हैं आंटी, मैं शायद ज्यादा इमोशनल होकर सोच रही हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम न सिर्फ मायर की पसंद बल्कि मुझे भी बहुत पसंद हो। तुम हमारी फैमिली हो। ये याद रखो, मायर की जिंदगी ना कभी कोई थी और ना ही कभी कोई होगी, सिवाय जा बेटी, जाकर आराम करो, मैं अब ठीक हूं। बाबा मेरी खातिर एक बार डॉक्टर को चल ले, दिखा लाते हैं। मैंने कहा ना ठीक हूं मैं। नाया बेटा, तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक है, बेहतर है पहले से। आराम करेंगे तो मजीद ठीक हो जाएंगे। तुम जाओ मेरा बच्चा, रेस्ट करो। एक बार मुमताज लेके जाओ इसे। जी अच्छा, उठो उठो, बहन को बेटा कमरे में लेके जाओ। उठ जा मेरा बच्चा, बिस्मिल्लाह, पकड़ बहन, संभल के बहन का हाथ अच्छी तरह बेटा पकड़, वो बीमार है। शाबाश शाबाश। माँ मुझे लगता है कि बाबा जरूर कोई बात छुपा रहे हैं। नहीं बेटा मैं समझाती हूँ, लेके जाओ बहन को, जाओ शाबाश, आराम करो, संभल के लेके जाना बेटा। करीम, किस बात की परेशानी आपने अपने दिल पे ले ली? क्या फरियाल के ससुराल वालों ने कुछ कह दिया? मैं तुम्हें क्या बताऊं, ड्रामे देख देख कर ना तुम्हें भी ड्रामेबाजियां करनी आ गई। अरे मैं तो हैरान हूँ इस बात पे कि तुमने करीम भाई से बैंक से लोन की बात की। कभी मेरे दिमाग की तारीफ ना करना, हमेशा ताने ही देना। अरे बेटे के साथ साथ अगर हमारा भी फायदा हो जाता है तो इसमें क्या बुरा है? बेटे की तालीम पे हमने जितना खर्च किया ना, उससे दुगना वसूलूंगी, बताए दे रही हूँ तुम्हें। तुम्हें मुनीब का नहीं पता है क्या? फरियाल से शादी रुकने पे उसका मूड वैसे ही बिगड़ा हुआ है। मुनीब मुझे नहीं जानता क्या? एक बार जो दिल में ठान लूं वो करके रहती हूं। देख लो गजाला, उस बेचारे गरीब पे इतना दबाव मत डालना कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। मैं अपने डिग्री याफ्ता बेटे को ऐसे किसी के हवाले कर दूं? अरे अपने बेटे की आला तालीम पे मैंने जो कुछ खर्च किया, आज उसे वसूलने का वक्त आया है तो तुम मुझे नसीहतें करने बैठ गए? एक बात कान खोल के सुन लो अमित, मैं फरियाल को खाली हाथ कबूल नहीं करूंगी। पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा उन्हें।
और मुनीब का क्या करोगी तुम? मुनीब जानता है उसकी माँ जो कुछ कर रही है उसके फायदे के लिए ही कर रही है। हाय क्या 50,000? अरे उनका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? बैंक से इतने पैसे लेने के लिए हमने कहा था। अपने बेटे की शादी कर रहे हैं या कुछ सौदेबाजी कर रहे हैं? हम तो सादगी से शादी करना चाहते थे। अपनी औलाद की खुशी देखना हर माँ बाप का अरमान होता है मुमताज, और मुनीब उनका इकलौता बेटा है। आप कुछ भी कहें लेकिन मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लगती। आप खुद सोचे ना कि फरियाल के साथ साथ हमें अपनी दूसरी दो बेटियों की भी तो शादी करनी है ना। तुम जज्बाती हो रही हो मुमताज। क्या जज्बाती हो रही हूं? करीम, कहीं आप उन लोगों से कोई वादा तो नहीं कर रहे? मैंने उनसे कोई वादा तो नहीं किया है, लेकिन मैं बेटी की खुशी को नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकता। मैं उदास जरूर हूं उदास, लेकिन मायूस नहीं। जब खुदा अंधेरे में रोशनी दिखा सकता है तो इस मसले का हल भी वही निकालेगा। अरे खुदाया, आप जाएं यहाँ से। वो ड्राइवर है, इसका ये मतलब नहीं कि वो जिए या मरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप गलत समझ रही हैं? ऐसा नहीं, मुझे आपको समझना ही नहीं है। देख चुकी हूँ मैं आपकी अम्मी का रवैया अपने बाबा के साथ, उसके बाद कुछ नहीं समझना मुझे। आप जाएं आप। थैंक यू। तुम पर थोड़ा सा गुस्सा क्या कर लिया, तुम तो मुझे भूल ही गए। मुनीजे, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? सिर्फ दोस्त? मैं मंगेतर भी हूँ तुम्हारी। अच्छा ये बताओ कि रिंग कहाँ है? पहनी भी है या कहीं रख दी है? पता है मैं गुस्से में आ गई थी इसलिए तुम्हारे हाथ से उतार दी। मगर अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी तो ऐसा नहीं होगा। पता है मायर, तुम मुझे थोड़ा सा इग्नोर करते हो ना तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हूँ, जो कि मुझे पता है कि गलत है, फिर मैं क्या करूँ? अच्छा तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, काम कर रहे हो क्या? हाँ कुछ ऑफिस का काम तो कर। अच्छा सही है, तुम काम कर लो, हम सुबह मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट। ओके बाय। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नाया, आज पहली बार तुमने मुझे मायूस किया है। किसी का एहसान तो इंसान मरकर भी नहीं चुका सकता, तुमने साहब का एहसान मानने के बजाय उन्हें बुरा भला कहा। उस दिन हॉस्पिटल में भी मैं साहब से तुम्हारी नाराजगी की वजह नहीं जान सका, मगर जब वो मुझे घर छोड़ने आए तो तुमने शुक्रिया तो दूर, उन्हें घर से जाने को कहा। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने बाबा। तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अच्छा नाराज मत हुआ ऐसे, सॉरी
माफ कर दें। अब साहब से तो सॉरी मुझे कहना पड़ेगा ना। क्यों? आपने क्या किया है? आपने तो कुछ भी नहीं किया, आप क्यों सॉरी कहेंगे? और वैसे भी बाबा छोटे हैं वो उम्र में आपसे, अच्छा थोड़ी लगेगा कि आप उनसे माफी मांगे। बेटा भले ही वो मुझसे उम्र में छोटे हो लेकिन इंसानियत में वो बहुत बुलंद है। हर कोई गरीब का मसीहा नहीं बनता। नाजरीन और कदरदान, आज की ताजा ताजा ब्रेकिंग न्यूज़, बाबा अनायस से नाराज हो गए हैं, बल्कि उन्हें अच्छी खासी डांट भी लगाई। तुम कितना खुश हो रही हो? क्यों आप खुश नहीं हैं क्या? अम्मा अब्बा के लिए तो सबसे बेस्ट बेटी अनाया ही है, बाकी दुनिया की तो सारी नसीहतें मेरे और आपके लिए हैं, है ना? वैसे मैं ना अभी अभी उन्हें देख कर आ रही हूँ, बाबा की डांट से वो काफी परेशान है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करे और क्या ना करे। बेटा जी वो बाबा की डांट की वजह से नहीं परेशान, उनके बॉस की वजह से परेशान है। पता नहीं अनाया ने ऐसी हरकत की क्यों। तो ज्यादा अच्छा बनने का तो यही एक नुकसान है कि अपना आप सही और बाकी दुनिया गलत लगती है। याद है आपको उस दिन जब मैं यूनि से आ रही थी, बारिश में फंस गई थी और उस लड़के ने मुझे गलती से लिफ्ट क्या दे दी, बाबा ने मुझे कितनी डांट सुनाई। उन्हें तो हमेशा यही लगता है कि जो हमारी मदद करेगा उसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद होगा। तुम्हें पता है ना कि आजकल का माहौल नहीं है किसी पे भी एतबार किया जा सके। ओह, ये आप कह रही हैं? देखो चांस ना लेना ही पड़ता है, वरना पता कैसे चलेगा कि एतबार के लायक कौन है और कौन नहीं। और वैसे भी ये आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता ना। यूना पिटेगी मुझसे तू। सॉरी जो प्लान है यू शुड स्टिक टू विद दैट प्लान राइट। बैक टू वर्क नाउ। माय व्हाट डू यू से डार्लिंग? मुझे पता है अम्मी आपको अपना प्लान बिल्कुल ठीक लग रहा है एंड यू आर सैटिस्फाइड, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई इंटरफेयर करे आपके आइडियाज, आपके जो भी एग्जीक्यूशन प्लान्स होते हैं। लेकिन ये लोग हमारे साथ 35 साल से काम कर रहे हैं और ये हमारी प्रॉफिट, हमारी सक्सेस का हिस्सा है। हमारी कंपनी की वजह से इन लोगों का घर चलता है और इन लोगों की वजह से हमारी कंपनी चलती है। आप जो मशीनरी मंगवाना चाह रही हैं वो ठीक है, कंपनी का उसमें फायदा तो है, लेकिन वी लूज अराउंड 70% ऑफ आवर लेबर्स और ये ज्यादती होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इन्हें शायद बीच रास्ते में छोड़ देंगे। बट अगेन पता है आप खुश हैं अपने प्लान से, लेकिन मैं नहीं। माय ओ आई
You're looking good. Really? Bab, yehi dressing hai, wohi hairstyle hai, uske bawajood bhi. हाँ, I think मैं तुम्हें बहुत दिन के बाद इतने वर्ष से देख रही हूँ. लेकिन हम तो रोज देखते हैं एक दूसरे को ऑफिस में. हाँ, मिलते तो हैं, मगर मैं तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही थी ताकि तुम मुझे नोटिस करो. काफी अजीब सी बात है, मतलब इसका क्या फायदा? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जब आप किसी को इग्नोर करते हैं तो वो आपके ज्यादा करीब आ जाता है. बहुत ही बुरी स्ट्रेटजी है ये भाई. जो भी है, मेरी मीटिंग है, मैं चलती हूँ. ये तो मेरे बारे में ही पूछ रहा है. अगर मैंने इसे बता दिया तो ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा बाबा पर ही उतारते. अच्छा सही है, बाबा खुद संभाल लेंगे. आप पुलिस स्टेशन गए थे, क्या कहा उन्होंने? वही एक बात, जब पता चलेगा तो बता देंगे. पर आज तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, चुपचाप होकर घर बैठे बार बार पुलिस स्टेशन आकर ड्यूटी ना समझाए. बाबा, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, ये पुलिस पुलिस के चक्कर में ना पड़े. और लूटा हुआ सामान कभी वापस आता है क्या? नहीं बाबा, देखें, उन डकैतों में से एक की शक्ल तो मैंने देख ली थी. माँ, मैं उसे पहचान सकती हूँ. तो अगर हम पुलिस स्टेशन जाएं, उसका स्केच बनवाएं, तो बाबा हम उसे पकड़ सकते हैं, हम पहचान सकते हैं उसे. बेटा, मेरे सामने तो तुमने ये बात कह दी है, किसी बाहर वाले के सामने मत कहना. क्यों बाबा? जब हम उस चोर की शनाख्त कर सकते हैं तो हम किससे डरे हैं? बेटा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मोहतात रहने के लिए कह रहा हूं. मैं तुम तीनों में से किसी की भी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता. बेहतर यही है कि इस हादसे को भूल जाओ. लेकिन बाबा, उनकी वजह से हम लोगों को कितना नुकसान उठाना पड़ा है. जितना नुकसान उठाना था उठा लिया, मजीद नुकसान ना उठाना पड़े इसलिए कह रहा हूँ. मैं तुम्हारे बाबा की बात से मुत्तफिक हूँ. खाना खाओ मेरा बेटा. हेलो. हेलो जी, सुबह इस नंबर से कॉल्स आई हुई थी, मिस कॉल्स थी. वो कोई काम था आपको? अरे, ये तो छोटे साहब की आवाज थी ना. जी बाबा, वो सुबह मैं कॉल कर रही थी उन्हें सॉरी करने के लिए, ताकि आपको उनके आगे शर्मिंदा ना होना पड़े.
जी छोटे साहब। करीम बाबा। हाँ, दरअसल मेरी ही बेटी ने आपको सॉरी कहने के लिए फोन किया था। सुबह मैंने उसे काफी डांट दिया था, इसलिए वो परेशान हो गई थी। करीम बाबा, आपको डांटने की क्या जरूरत थी? आपको पता है मैं इस तरह की छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मनाता। ये तो आपका बड़ापन है। नहीं, मैं बिल्कुल भी बड़ा नहीं हूं। बस यूं समझ लें कि मैं आपकी बेटी की तरह। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं। आओ। बता क्यों नहीं रही मुझे? बाबा गए थे ना आज फरियाल के ससुराल, क्या कहा उन लोगों ने? जो भी कहा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बाबा और मैं जो है ना, खुद ही संभाल लेंगे। तुम अपने हाल पे रहम खाओ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मतलब उन्होंने बाबा को फिर से टॉर्चर किया, इसलिए बाबा की तबीयत रास्ते में ही बिगड़ गई थी ना। अगर कुछ कहा भी है तो बेटा तुम क्या कर लो, लड़ोगी जाके उनके साथ या केस करवा दोगी उनपे? अरे भाई, फरियाल के ससुराल है वो, हम कुछ चाह के भी ना कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब उन्होंने जरूर कुछ कहा है। क्या कहा है माँ? अरे क्या कहना, वही उनका मुतालबा। यही बोल रहे थे कि जब तक जेवरात की अदायगी नहीं होगी वो फरियाल की रुख्सती नहीं लेंगी। आया, किस किस्म के लालची लोग हैं। बाबा पे तरस नहीं आया इनको? तरस आया, तरस। बड़ी मेहरबानी की उन्होंने हम पे। बस इतना कह दिया है कि पैसे जरूर लेंगे मगर किस्तों में दे देंगे, और किस्त भी पता छोटी मोटी नहीं, 50,000 हर महीने। फिकर नहीं करो, हो जाएगा कुछ ना कुछ। चलाएं, मैं काम करवाती हूँ साथ आपके। ना छोड़ो, तुम तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ मेरा बेटा आराम। माँ दे ना, क्या अकेले करेंगे? मार देते हैं बेटा पहले ही परेशान। जाओ शाबाश, जाओ जाओ आराम करो, जाओ जाओ शाबाश। तो ख्याल आ गया तुम्हें मेरा? ये शिकायत तुम मुझसे कर रहे हो? क्या मतलब, क्या मैं तुमसे शिकायत भी नहीं कर सकता? इतने दिनों बाद तुमने मुझे फोन किया, तुमने ना मेरी खैरियत पूछी, तुम्हें तो पता ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ, मर गया, क्या कर रहा हूँ, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। अब ख्याल आया? क्या हुआ तुम्हें? क्यामत तो मुझ पे गुजरी है ना, तुम्हें नहीं पता मेरे घर की सारी सिचुएशंस का। अनाया को तुम अपनी आंखों से देख के आए थे ना हॉस्पिटल में, क्यों नहीं बोले तुम? मुनीब क्यों चुप रहे? अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं रहा। तुम्हारी जिंदगी के सारे हक तुमने अपनी अम्मी को दे दिए हैं, और उनका जो दिल कर रहा है ना वो किए जा रही हैं। एक मिनट, क्या किया मेरी अम्मी ने? बाबा गए थे मेरी रुख्सती की बात करने तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने उनके सामने नई शराइत रख दी है। जेवरात की पूरी रकम उन्होंने किस्तों में वसूल करने का तकाजा किया है। अब तुम ही बताओ, तुम बताओ कहाँ से लाएं बाबा 50,000 हर महीने का? और हाँ, मुझे ये सच सच बताओ कि ये फैसला तुम्हारी अम्मी का है या इसमें तुम्हारी भी मर्जी शामिल है? तुम एक फोन बंद करो, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। मुनीब मेरी बात सुनो। अरे तुम फोन बंद करो ना, मैं कॉल बैक करता हूँ ना यार। मुनीब मेरी बात सुनो। अम्मी, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखो फरियाद। तुमने तो अपने दिल की भड़ास निकाल दी मुनीम भाई पे, लेकिन कल को शादी के बाद यही बातें तुम्हारे लिए कितना इश्यू बनाएंगी, तुमने कभी सोचा है? मैंने जो भी किया ना बिल्कुल ठीक किया है, आखिर उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि सच्चाई क्या है। सही,
मुनीब भाई ने अगर आंटी को ये बता दिया या आंटी को ये पता चल गया कि ये सारी बातें तुमने उनको बताई हैं, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजर में। मैंने मुनीब को ना सिर्फ सच्चाई से आगाह किया है, अगर वो वाकई में मिसाली मर्द हुए ना तो सब संभाल लेंगे। क्यों कर रही है फरियाद? क्यों मुनीब भाई को मुश्किल में डाल रही है? वो अपनी माँ की तरफ से बोलेंगे तो तुम्हारी नजरों में बुरे बनेंगे, तुम्हारे लिए बोलेंगे तो अपनी माँ की नजरों में बुरे बनेंगे। तुमने उस घर में ब्याह के जाना है, अपने लिए क्यों मुश्किलें पैदा कर रही हो? अच्छा, गजाला आंटी को मत समझो, मुनीब भाई को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी पसंद की शादी है और फरियाद, पसंद की शादी में ऐसी सो सिचुएशंस आती हैं यार, उनको डील करना होता है, ये सब कुछ नहीं करना होता। सोचो इन सब बातों का रिएक्शन वो अपनी माँ के सामने क्या देंगे, सोचो। मुझसे क्या पूछते, सारी बातें तो अपनी होने वाली बीवी से सुन के आ गए हो, ये भी पूछ लेना था। अम्मी मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपने फरियाल के अब्बा से क्या शर्त रखी है। शर्त? कैसी शर्त? क्या कहा है उसने तुमसे? अरे जो लड़की तुम्हारे कान शादी से पहले इतने भर रही है, शादी के बाद क्या करेगी? और आप जो कुछ कर रही है ना, उसके बाद तो मुझे मेरी शादी होती ही नजर नहीं आ रही। सुनो, बताओ मुझे, बात करो मुझसे, जब दिन की बात जबान पे ले ही आए हो तो मुझे बताओ, क्या समझते हो तुम इन सारे हालात की जिम्मेदार मैं हूँ? और उनके घर में जो डकैती हुई है वो मैंने करवाई थी, और वो जो उसकी बहन के पेट में गोली लगी वो भी मैंने मारी है। अरे हमीद सुनते हो, तुम्हारा बेटा कैसी कैसी तोहमत लगा रहा है? खुदा का वास्ता चुप चुप, मैं आप पे कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ। मैं क्यों कोई तोहमत लगाऊंगा, लेकिन आपने जो हालात बना दिए है ना, अब मैं रुक नहीं सकता। क्या करोगे तुम, क्या ठान रखी है तुमने? मैं चाहता था कि ये शादी हंसी खुशी सबकी रजामंदी से हो, लेकिन अब मुझे ऐसा होता दिख नहीं रहा है, तो मैं फरियाल के घर जा रहा हूं और वहां से निकाह करके लौटूंगा। बेवफा फिर जो हुए वो।